मेरा नाम रवीना है, मैं NPG कॉलेज बढ़ाना गेट टी बीएड की फर्स्ट ईयर छात्रा हूँ। मैंने ये घर पर बेकार पड़ी हुई बोतलों से सुंदर फ्लावर पॉट बनाया है। देखिए, मैंने इसके अंदर मिनिमम 15 से 17 बोतलों को इकट्ठा करके लगाया है। अब मैं आपको कुछ पड़ी हुई बोतल है मेरे पास जो बनाई। आइए आज हम बताते हैं कि बोतलों से गमला कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे पास ये 5 बोतलें हैं। छठी बोतल मैंने ग्रीन कलर की ली है, सारा बोतल इकट्ठी निकल पाई, इसलिए मैं आज तुम्हें 6 बोतलों से ही गमला बनाना सिखाऊंगी। तो गाइस देखिए इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ किया जाता है। बोतल है, ये फ्लावर पॉट है। इसके अंदर फ्लावर पॉट के बाद हम ये कपड़े की पट्टी लेंगे, जिस कलर की हमारे पास बोतल होगी उसकी हम पट्टियाँ लेंगे कपड़े की। एक लकड़ी का स्टील का हम डंडा लेंगे, शीवर लेंगे, बाकी बस हम ये बोतल बनाना आपको सिखाएंगे। देखिए गाइस, मैंने बोतल को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 3 पार्ट में मैंने इस तरह से कांटेदार सीजर से बना लिया है और 3 पार्ट में मैंने बारीक की पट्टियाँ काटी हैं। गाइस भी हम इसमें फ्लावर लगा देंगे इसमें फोल्ड करने के बाद। इसके बाद हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इसे जो हमारा स्टील का या लकड़ी का जो भी कुछ होगा उसके अंदर ऐसे पहना देंगे। पहनाने के बाद गाइस, हेलो गाइस, देखिए मेरा सुंदर फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो चुका है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैंने 6 बोतलों से बनाया है। अब मैं इसको इस रेत में लगाऊंगी। मेरे पास वाइट पट्टी नहीं है, मैं आपको रेत में लगाकर दिखाऊंगी कितना सुंदर लग रहा है। देखिए गाइस मेरा सुंदर फ्लावर पॉट, आई होप ये सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा ये बोतलों से बना हैंडमेड फ्लावर पॉट।